नमस्कार, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम। अज देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पूरे भारत के 500 तो ज्यादा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। उस दे विचो तीन रेलवे स्टेशन रोपड़ के भी हैं, जिन्हां दे विचो रोपड़ श्री आनंदपुर साहब से नंगल का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। नंगल रेलवे स्टेशन विखे अज नगर कौंसल के प्रधान संजय सानी मुख मेहमान वजो पहुंचे और रस्मी तौर पर उन्होंने वालों इसका उद्घाटन किया गया। 23 करोड़ रुपए की लागत के नंगल रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन अज नगर कौंसल के चेयरमैन संजय सानी वालों किया गया। आओ वेखते हैं साडी रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण पुनर विकास का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने जिन्हें रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण लिए नींह पत्थर रखे उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान 55-55, बिहार 59, महाराष्ट्र 44, पश्चिमी बंगाल 37, मध्य प्रदेश 34, आसाम 32, उड़ीसा 25, पंजाब 22, गुजरात और तेलंगाना 21, झारखंड 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 18-18 स्टेशन हैं, जबकि हरियाणा 15 और कर्नाटक 13 स्टेशन भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 24,470 करोड़ रुपए आएगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिथे पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन आधुनिक सहूलत लैस किया जा रहा है, उत्थे ही नंगल वर्गे छोटे शहर के रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए 22-23 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जिसके लिए अज देश के प्रधानमंत्री वालों रेलवे स्टेशन के विकास लिए इस योजना का नींह पत्थर अज रखा गया। नंगल विखे मुख्य मेहमान वजो नगर कौंसल के प्रधान संजय सानी और उन्होंने पूरी टीम पहुंची। उत्थे ही भाजपा तो हलका श्री आनंदपुर साहब के इंचार्ज डॉक्टर परमिंदर शर्मा और जितेंद्र सिंह अटवाल विशेष रूप से उपस्थित सन। इस योजना के स्टेशन की सहूलत जिवें कि यात्रियों की पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हाल, टॉयलेट, लिफ्टां, एक्सीलेटर, लोड़ अनुसार सफाई, मुफ्त वाईफाई, स्थानक उत्पादों लई क्योसक वर्गी सहूलतों नूं बेहतर बनाउण लई एक मास्टर प्लान तैयार करना ते लागू करना शामिल है। हर एक स्टेशन ते लोड़ नूं ध्यान रखते हुए वन स्टेशन एक उत्पाद, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लोज, व्यापारक मीटिंग लई मनोनीत थां, लैंडस्केपिंग आदि वर्गे योजनावां नूं शामिल कीता गिया है। यह रेलवे स्टेशन नंगल दे लई इक वरदान साबित होवेगा, जिसके कारण देश विदेश तो सैलानियों के नाल नाल सनअतकारां ते कारोबार इत्थे आउंदे जांदे रहणगे। नंगल दे इतिहास दे विच इक नवां अध्याय लिखा गया है। नंगल तों पंजाब टीवी प्राइम दे लई रकेश राणा की रिपोर्ट। अज जिहड़ा नंगल रेलवे स्टेशन लई सेंटर सरकार वल्लों 22-23 करोड़ रुपया खर्च के इनू नवा बनाने की जिहड़ी हैगी प्रधानमंत्री वल्लों भेजा गया है। मैं शहर वासियों वल्लों अते नगर कौंसल नंगल वल्लों मैं सारे इहदे सेंटर सरकार का धन्यवाद करदा हाँ अते मैं एक सारे ही शहर वासियों वल्लों तुहाडे माध्यम राही मंग भी करदा हाँ कि जिहड़ी बंदे भारत ट्रेन है वह नंगल च रुकनी चाहिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अज बहुत खुशी का मौका है कि रोपड़ जिले के तीन रेलवे स्टेशन जो 508 भारत स्टेशन योजना के अधीन, अमृत भारत स्टेशन योजना के अधीन नवीनीकरण किया जा रहा है। तीन रेलवे स्टेशन रूपनगर, श्री आनंदपुर साहब और नंगल डैम तिन्हें ही बहुत आधुनिक विश्व स्तर के बनाए जाएंगे और इलाके वास्ते बहुत खुशी का मौका है कि ऐसे रेलवे स्टेशन साडा नंबर पिया है। आनंदपुर साहब और नंगल डैम का जो दुनिया नूं आधुनिक रूप विच प्रस्तुत होके एक नवे रूप विच होएगा, नहीं तो रेलवे स्टेशन का एक दृश्य साडी अखां दे सामने गंदा जिहा स्थान हुंदा सी, जिथे लोगों ने पान की फीक सुटी होंगी सी, उत्थे गंद पिया होंदा सी और ऐसा एक दिमाग विच रेलवे स्टेशन के प्रति होंदा सी। पर लेकिन हुण मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का अति धन्यवाद करते हैं, कोटन कोट धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 508 रेलवे स्टेशन जो ऑल इंडिया भी शुरू किए हैं, साढ़े रोपड़ जिले के तीन रेलवे स्टेशन उसके आए हैं और सानू भी विश्व स्तर दिया जो अति आधुनिक सुविधावां है वो मिलनगियां। मैं उन्हों का अज के इस मुबारक मौके से कोटन कोट धन्यवाद करता है और इलाका समूह इलाका वासियों वालों, श्री आनंदपुर साहब विधानसभा वालों
मोदी जी का कोट एंड कोट धन्यवाद कर राजनीति तो उपर उठ के उन्होंने अज नंगल और आनंदपुर साहब विच एडा बड़ा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। मैं बड़ा दुख होया है जान के कि साढ़े इतों के स्थानक विधायक और सिक्ख्या मंत्री पंजाब सरकार अगर आज इस मौके पे आंदे तो कितना अच्छा लगता और लोगों नूं लगता कि वे उन्होंने दिमाग में ना केवल राजनीति है बल्कि इलाके के भले वास्ते सोचते हैं। पर आज दे इस मौके पे गैर हाजिर रह के लगता है कि जिस तरह भगवंत मान और ही कहते हैं कि सानू केंद्र की कोई परवाह नहीं और मैं लगता है कि केंद्र और स्टेट हमेशा अगर सहयोग न चलन तो तरक्की बद होती है एक दूजे के तालमेल न चलिया करते हैं स्टेट और सेंटर। पर लेकिन मैं लगता पंजाब सरकार अपने आप से मस्त है और अपनी पार्टी को बढ़ाने के चक्कर में है उन्होंने हल्के के नाल पंजाब के नाल कुछ लेना देना नहीं। सब तो पहला मैं भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे जिले वालों धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने जिहड़े हिंदुस्तान दे विच 508 रेलवे स्टेशन नवीनकरण करना है उहदे विचों लगभग 22 स्टेशन जिहड़े ने साडे पंजाब दे ने जिन्हां दे विच लगभग 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा करके इन्हां दी कायाकल्प करनी है। धन्नवाद इस करके भी करदा है कि मेरे जिले में 3 जिहड़े रेलवे स्टेशन ने रोपड़ श्री आनंदपुर साहब ते नंगल डैम जिन्हां दे लगभग 75 करोड़ की लागत दे नाल इन्हां स्टेशनां दा कायाकल्प किया जा रहा। मैं समझदा कि इन्ने पैसे दे नाल जिहड़ी इत्थे डिवेलपमेंट होनी है उहदा सीधा दा सीधा फायदा साडे इत्थों दे लोकां नूं जाणा उह वधिया तरीके दे नाल एसी रेलवे स्टेशनां दे वधिया पार्किंग वधिया उहनां दे बैठण दा प्रोग्राम ते वधिया उडीक घर दा आनंद माणनगे। मैं पूरे जिले वल्लों देश दे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तह दिलों धन्यवाद करता हाँ। मैं समझा कि यह जिहड़ा अज का प्रोग्राम सी एक संघ का प्रोग्राम सी एक देश का प्रोग्राम सी एक पंजाब का प्रोग्राम सी और राजनीति तो उपर उठ के सानू सारे एक मंच तो इकट्ठे होकर यह स्टेशन जिहड़े लोगों को अर्पण करने चाहिए सी। हो सकता किसी कारण वास्ते इत्थे नहीं आ सके पर मेरा मानना है कि इस तरह के टाइम के उत्ते डिवेलपमेंट जो हो रही है साढ़े नंगल डैम की उन्होंने हाजिरी जरूर भरनी चाहिए। अज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जोड़ा तकरीबन 500 के करीब स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया जिस दे विच बड़े माण वाली गल है कि साढ़े नंगल डैम स्टेशन का भी नाम सगा। इस प्रोग्राम के अज मुख अतिथि के तौर के साडे नगर कौंसल नंगल के प्रधान संजय सानी जी और उन्होंने समूह कौंसलर ने शिरकत की। असी नंगल शहर वालों बहुत धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समूह मंत्री मंडल का जिन्होंने नंगल का जो रेलवे स्टेशन है ये सुधार के काम लई 23 करोड़ रुपए की जी राशि जारी की है। इस दे नाल मेरा मानना है कि अगर साढ़े नंगल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होंगे तो उहदे नाल साडे शहर की अर्थव्यवस्था भी बहुत सुधरेगी इत्थे दा कारोबार वधेगा इत्थे दा व्यापार वधेगा इत्थे जिहड़ी टूरिस्ट लोगों का जिहड़ा आवागमन वह ज़्यादा सुगम होएगा। तो मैं एक बार फिर सारे शहर वासियों वालों बहुत बहुत धन्यवाद करना तो सारियां नूं बहुत बहुत बधाई देना धन्यवाद। सब तो पहला मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हाँ कि जिन्होंने अमृत योजना के तहत जेड़ा है साडा रेलवे स्टेशन जेड़ा है वो डिवेलप करन दे विच लिआंदा हैगा। इस दे विच सारे ही नंगल शहर वासियां नूं जेड़ी है खुशी दी लहर है जिहदे नाल क्या है कि साडा जेड़ा है रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा डिवेलप होएगा ते रोजगार भी मिलेगा ते सानू होर भी काफी ज्यादा जड़ियां सहूलतां मिलनगियां। धन्यवाद। और यहाँ पे जो मैं आके देखा जिसको न्यूनीकरण का योजना चलाई
ये बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है, इससे गरीब जनता को और निचले लेवल के लोगों को मध्यम वर्ग तक के लोगों को सही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अमीर आदमी जो बाय एयर और गाड़ी से सफर करते हैं, आम आदमी जो आम जनता जो अच्छा बेनिफिट मिल जा रहा है और एक अच्छा बेनिफिट। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री के सारे लोग धन्यवाद हैं और बहुत ही अच्छा प्यार होने जा रही है। जिहड़ा भारत सरकार वालों अमृत भारत स्टेशन परियोजना के अधीन अज नंगल का जिहड़ा स्टेशन का नवीनीकरण का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों किया जा रहा, ये मैं अपने भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। इस तो अलावा रेलवे स्टेशन के सारे विभागों का भी बहुत धन्यवादी हाँ कि वह नंगल नूं एक बहुत ही अच्छी देन जी मिलन जा रही है। ये नंगल के पहला भी साड़ी वंदे भारत जी ट्रेन इस इलाके कनैक्ट किया तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होना रेलवे स्टेशन के होने टूरिज्म भी बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय लोगों भी बड़ी सहूलत होएगी। ये मैं एक बार फिर बहुत बहुत रेलवे विभाग का धन्यवादी हाँ, भारत सरकार का धन्यवादी।